हेलो गाइस, आज हम देखेंगे 26 और 27 फरवरी का करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे 89 से अधिक देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं एनजीओ के बारे में कि एनजीओ क्या होता है। एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह एक गैर सरकारी संगठन होता है और यह जो संगठन होता है वह किसी सरकार या व्यवसाय के लिए लाभ के लिए कार्य नहीं करता बल्कि इनका उद्देश्य होता है जनसेवा, सामाजिक सेवा के लिए भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्ट आचरण शब्द को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो भ्रष्ट आचरण जो शब्द है उसे किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। भ्रष्ट आचरण शब्द को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित किया गया है और भ्रष्ट आचरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत उन्हें निपटाया जाता है। तो हाल ही में ये खबरों में रहा है। तो हाल ही में ये शब्द खबरों में क्यों रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भारत में कोई भी व्यक्ति चुनावों में वोट देने के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उसे वोट नहीं देता है। इसलिए चुनाव में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में यदि कोई गलत जानकारी सामने आती है तो उसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन देशों के बीच एक संधि है। तो ये संधि है अमेरिका और रूस के बीच में। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये रूस और अमेरिका के बीच एक अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण एक संधि है। इसे हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संधि में भागीदारी को निलंबन करने के रूस के इरादे की घोषणा की है और इस संधि और रूस और अमेरिका के बीच ये संधि हुई थी 2010 में। ये संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा दोनों देशों द्वारा मतलब रूस और अमेरिका द्वारा तैनात किए जाने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है और इस संधि में ये कहा गया था कि दोनों देशों द्वारा जो परमाणु हथियारों में उनकी संख्या को सीमित कर दिया गया था। नासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है। तो ये मिशन है इजराइल का। अल्ट्रासेट इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है। इस मिशन को नासा जो अंतरिक्ष अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त माध्यम से 2026 तक इसे भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है। अल्ट्रावायलेट वेधशाला सुपरनोवा और न्यूट्रॉन जैसे सितारों के विलय जैसी छोटी अवधि की अंतरिक्ष घटनाओं को देखने पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा सीडी देशमुख स्टेशन रखा जाएगा। तो हाल ही में मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे ने बैठक में ये घोषणा की है कि मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम अब सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। सीडी देशमुख का पूरा नाम है चिंतारमण राव देशमुख। ये पूर्व 1950 से 56 के बीच ये भारत के वित्त मंत्री रहे हैं और सीडी देशमुख 1943 में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी रहे थे। नेक्स्ट, कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। तो दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से जो यात्री होंगे वह यात्रा के दौरान ही शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया जाएगा। ये किया जाएगा तमिलनाडु में। ये भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट होगा तमिलनाडु में लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के एक हिस्से के रूप में इस रॉकेट को स्कूली छात्राओं के द्वारा बनाया गया है यह रॉकेट और इसे तमिलनाडु में लॉन्च किया जाएगा। और हाइब्रिड आइए हम जानते हैं कि हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है। तो हाइब्रिड रॉकेट यह एक द्वि प्रणोदक रॉकेट होता है जिसमें दो अलग अवस्थाओं का प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। इसमें आमतौर पर ठोस एवं तरल अवस्था वाले प्रणोदक का उपयोग किया जाता है और यह रॉकेट जो होगा वह मौसम वायुमंडलीय घटनाओं और विकिरणों में अनुसंधान के लिए भी उसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है, मतलब इंडोनेशिया में। तो ये पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी से इंडोनेशिया के
जकार्ता मतलब दक्षिण चीन सागर में इसे डॉक किया गया, मतलब उधर ये पहुंचा है। नेक्स्ट है यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा बड़ोदरा। इस सम्मेलन में 62 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर केंद्रित यह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसका उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है सज्जन जिंदल। ये जो है ये JSW कंपनी है, उसके फाउंडर है, चेयरमैन है, JSW स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है, तो किया गया अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व किया गया है। मास्टर कार्ड के ये पूर्व CEO रहे हैं अजय बंगा, जो अब डेविड मालपास का स्थान लेंगे, और विश्व बैंक का नेतृत्व करने वाले जो ये अजय बंगा हैं, ये पहले भारतीय मूल के नागरिक होंगे जो विश्व बैंक का नेतृत्व करेंगे। और विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और इसमें कुल 189 देश शामिल हैं। थैंक यू।